हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरी सोजा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम किसी भी नंबर का क्यूब डिक्शनरी की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको देखना है और देखकर समझना, सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, अदरवाइज है ना मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम डिक्शनरी की हेल्प लेंगे और डिक्शनरी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आप चाहें तो विदाउट डिक्शनरी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डिक्शनरी की हेल्प से सिंपली इजिली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। हाउ, कैसे? सबसे पहले देखो, मैंने आपका कहा कि एक फंक्शन डिफाइन किया और लिखा आपका फाइंड क्यू। ओके, ये क्या करेगा आपका क्यू फाइंड करेगा। मैं पास करूंगा आपका नंबर। ओके, अब सपोज करो कि मैंने सिंपली कहा फॉर, ओके, आई इन रेंज। और रेंज कहां से चलेगा आपका, वन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहां पे क्यूब की फाइंडिंग कहां से स्टार्ट है, वन से। ओके, वन से स्टार्ट हुई कहां तक चलेगी आपका, एन प्लस वन, जितने नंबर पास किए। मैं चाहता हूं कहां तक आपका क्यूब आए, एन प्लस वन। एन प्लस वन क्यों लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर एक कम होता है। देखो एन होता है, अगर मैं सिंपली यहां पे एन लिखता हूं, प्लस वन हटाता हूं, तो एक कम चलेगा। सपोज करो मैंने यहां पे फाइव दिया, तो यहां पे फाइव से कम फोर, यानी कि वन से फोर तक का क्यूब आएगा, इसलिए मैं यहां पे वन प्लस के वन कर देता हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को। अब करने के बाद मैं इसको एक डिक्शनरी में अपेंड कर दूंगा, ये सब यानी कि अपडेट कर दूंगा डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में इंसर्ट करने के लिए आपको एक ब्लैंक डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। तो ब्लैंक डिक्शनरी मैंने बनाई आपका क्या, क्यूब, ये हो गई आपकी ब्लैंक डिक्शनरी। अब ब्लैंक डिक्शनरी एंड आपको क्रिएट करने के बाद आपको इसमें एलिमेंट्स को अपेंड करना है। और अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं सी यू बी ई, क्यूब इक्वल, क्यूब लिखने से पहले सी यू बी ई आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में आपको टाइप करना है आई, ओके, और इक्वल करके आपको यहाँ पर टाइप करना है आपका आई, क्योंकि आप इसका क्या चाहते हैं, आपका क्यूब, क्यूब होता आपका इस तरह से पावर थ्री, तो ये होता आपका क्यूब। अब इसकी वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो, हम पहले भी कर चुके हैं, क्या करते चुके हैं, देखो हम क्या करते, सिंपल क्यूब लिखते थे, देखो ऐसे क्या करते थे, सी यू बी क्यू लिखते थे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखते थे, जैसे नेम, ओके, कुछ भी लिखते थे, हमें यूजर इन्फो लिखते थे, याद करो वो दिन, हम यहाँ पे यूजर लिखते थे, यूजर नेम इक्वल टू यहाँ पे देता था मैं आपका इस तरह से हरीश, ओके। जब हम रोल नंबर देने की बारी आती तो हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे आपका एज, लिखो एज, एज, एज लेने की बारी, तो हम ऐसे एज लिखते थे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा के रिमूव करके हम लिखते थे 26 इस तरह से। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं क्यूब आई, तो मैंने क्या कि सिंपल यहाँ पे आई लिख दिया है, आई मतलब वन, ओके, और वन में क्या चलेगा आपका, वन में क्या चलेगा आपका, वन में सिंपली चलेगा आपका आई का स्क्वायर, ऐसे, या क्यूब, आई का क्यूब, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आई का आपका क्यूब, ओके फाइन। तो ये कहाँ चलेगा आपका क्यूब में, मैं इस यूजर को उठा के क्यूब करता हूँ। तो देखिए सिमिलरली वही कंसेप्ट हो गया, आप यूज करते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को प्री फॉरवर्ड करके आप दोबारा अगेन समझिए, फाइन। अब मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये पूरी चीजें, पूरी वैल्यू इसमें अपेंड हो जाएंगी। अब मैं सिंपली इस क्यूब को रिटर्न कर दूंगा, इस क्यूब को रिटर्न कर दूंगा, ये देखिए मैंने इस क्यूब को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हमने जो आपका पास किया नंबर कि कहाँ तक आप क्यूब चाहते हैं, तो वो चीजें कैसे आप लोग, कैसे हम उसको फेच करेंगे, तो मैंने किस सिंपली एक फंक्शन को कॉल कराया, उसी फंक्शन को जो हमने क्रिएट किया फाइंड क्यूब करके, देखिए फाइंड, ओके फाइंड क्यूब। अब यहाँ पे वो नंबर पास किया जहां तक मैं क्यूब चाहता हूँ, मैंने बोला आपके, मैं चाहता हूँ सिर्फ आपके 10 तक का मैं क्यूब चाहता हूँ, तो 10 तक का मेरे को क्यूब मिल जाएगा आपका, आप समझ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया, ये देखिए फाइन। अब रन करने के लिए कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाया मैंने, और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टिल्ड आते हैं तो आपका ये पैटर्न खुल जाएगा। तब मैंने इसको सिंपली रन किया, पाइथन सैंपल टू, ये हो गया करेक्ट। तो देखिए सबका क्यू फाइंड हो गया। तो आज की इस वीडियो हमने सीखा कि इन सबका क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो इतना काफी, गुड बाय, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ओके बाय बाय।